तो दोस्तों, ड्रामे की शुरुआत होती है हमारी फीमेल मेली से, जिसका नाम की शिनिए होता है। और वो वहाँ पर मौजूद होती है अपनी स्टेप सिस्टर और साथ साथ अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों के दोनों हमारी शिनिए को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं और उसे जान से मारने वाले होते हैं। तभी करेक्ट टाइम पे वहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे मेन लीड की, जिसका नाम की युआन होता है। वो जैसे ही वहाँ पर आता है तो वो शिनिए को बचाने के लिए उसके हाथ खोलने लग जाता है। तो तभी शिनिए उससे बोलती है कि तुम मुझे क्यों बचा रहे हो, मैंने तो तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है। लेकिन युआन उससे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा। इसी तरीके से जब वो उसे बचा रहा होता है तभी वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन ये कहानी इतने जल्दी इस तरीके से एंड हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता था। हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी शिनिए होती है वो जमीन पर लेटी हुई होती है और जैसे खड़ी होती है तो अपने आप को सही सलामत देखकर एकदम हैरान हो जाती है और अपने चारों तरफ बस युआन को ही देखने लग जाती है। तभी उसकी नज़र उसके स्टेप सिस्टर पर पड़ती है, जिसका नाम की जी होता है। और वो देखती है कि वो एक लड़के से बातें कर रही है और साथ ही वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी मौजूद है। जैसे ही जो हमारी शिनिए होती है उस कमरे से बाहर आती है और देखती है कि जो उसके स्टेप सिस्टर जी है वो किसी और से बात नहीं करी बल्कि युआन से बात करी, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और उसके बाद युआन के पास जाकर उसे गले लगाने वाली होती है, तभी युआन उसका गला पकड़ देता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मुझसे डिवोर्स देने के लिए तुम छत से कूदने वाली थी। तो उसकी बातों को सुनकर भी जो शिनिए होती है वो उसे गले लगा देती है और उससे कहती कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ बल्कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। उसकी इन बातों को सुनकर वो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिन जो होता है वो उससे कहने लग जाता है कि तुम ये सब गलत इंसान से बोल रही हो, देखो मैं यहाँ पर हूँ, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। तभी शिनिए उसके गाल पे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और उससे बोलती है कि काम धंधा नहीं है क्या तुम्हारे पास, अपना काम करो जाके। उसकी बातों को सुनकर जो जिन होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी उसे एक थप्पड़ मारने वाला होता है। तभी युआन उसे रोक लेता है। सी शिनिए से कहने लग जाती है कि तुम तो जिन को पसंद करती हो ना, तो तुम उससे ये सारी बातें क्यों कह रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई होगी, पर तुम दोनों के दोनों को एक दूसरे से बात करके सारी चीजों का हल निकालना चाहिए। जी की बातों को सुनकर शिनिए हंसने लग जाती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि प्यार, और वो भी झिंगू, तुम्हारा दिमाग कुछ खराब हो गया है क्या। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड युआन से प्यार करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और इतना ज्यादा अमीर भी है। इसकी शक्ल देखो और एक बार युआन की शक्ल देखो, जमीन आसमान का डिफरेंस है। और तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, अब मैं सिर्फ अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ और मेरी और उसके बीच में कोई भी नहीं आएगा। सभी शिनिए की बातों को सुनकर काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि कुछ ही टाइम पहले आज शिनिए जिनके बारे में ये सारी बातें बोल रही है उसके लिए वो किसी टाइम पर सबसे लड़ा करती थी और तो और जिनको बहुत ज्यादा पसंद भी करती थी, क्योंकि उसे तो ऐसा लगता था कि जिन उसे सच्चा प्यार करता है। लेकिन उसकी असलियत जानने के बाद उसे ये जरूर पता चल गया था कि उसकी लाइफ का जो हीरो है वो कोई और नहीं है बल्कि मैं युआन ही हूं। जिन को तो धक्के मारकर वो वहां से भगा देती है और उसके बाद अपनी बहन से कहती है कि चार गिनती में यहां से नहीं गई ना तो तुम्हें भी यहां पर से भगा दूंगी, जिसकी बात मुंह बनाकर जी भी वहां से बाहर चली जाती है। तो तभी युआन जो होता है वो उसका हाथ खींच कर आता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार ये सारी चीजें तुम क्यों कर रही हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ टाइम पहले तो तुम मुझसे नफरत करती थी ना। शिनिए उससे बोलती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले मैं तुमसे नफरत करती थी लेकिन मेरी थिंकिंग और मेरी जो फीलिंग्स है तुम्हारे लिए अब टोटली चेंज हो चुकी है। उसकी बातों को सुनकर भी युआन को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और वो उसे अपने रूम में बुलाता है। अपने रूम में बुलाते ही वो उसे डिवोर्स पेपर देता है और उन पर साइन करने के लिए भी बोलता है, लेकिन शिनिए जो होती है वो उन डिवोर्स पेपर को फाड़ देती है और उससे कहने लग जाती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें पहले डिवोर्स देना चाहती थी लेकिन अब मैं पूरी तरीके से चेंज हो चुकी हूँ और मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहती हूँ। युआन उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ आखिरकार ये क्यों कर रही हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ अगर अब तुमने ये बात ठानी ली है तो इस बात से मुकरना मत, क्योंकि अगर तुम मुकरी तो उसके बाद मुझे मत बोलना कि मैं तुम्हारी लाइफ का विलन हूँ। उसकी बातों को सुनकर शिनिए उसके पास आती है और उसके बाद उसे कहने लग जाती है कि तुम मेरी लाइफ की विलन हो या फिर हीरो हो, मुझे तो तुम पूरे तरीके से मंजूर हो। तभी युआन उसका हाथ खींच कर उसे अपने बेडरूम में लेकर आता है और उसके बाद उसके हाथ बांध कर उसे किस करने लग जाता है और उसे बोलता है कि ठीक है अब तुमने मुझे अपना हस्बैंड मान ही लिया है तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से सीन शिफ्ट होता है कि शिनिए अपने रूम से बाहर आ रही होती है, लेकिन तभी दो बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं और उससे कहने लग जाते हैं कि सर ने कहा है कि आपको यहाँ से बाहर नहीं आने देना।
उनकी बातों को सुनकर शिनी अच्छे तरीके से समझ जाती है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले भी शिनी ने काफ़ी ज़्यादा बार कोशिश की थी उसे अकेले छोड़कर वहाँ से भागने की, लेकिन वो अपने इन मंसूबों पे एक बार भी कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन अब तो शिनी को घर से भागना ही नहीं था, तो आखिरकार वो जाती क्यों? वो उन बॉडीगार्ड्स को हटाती है और बोलती है कि मुझे ज़रूरी काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। तो दूसरी तरफ जी जो होती है ना, बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनकर तैयार तैयार होकर अपनी मॉम को अपनी ड्रेस दिखाती है और बोलती है कि आज देखा पूरी पार्टी में तो मैं ही जाऊँगी। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारी शिनी की, एंड वहाँ पर आते ही जोरदार थप्पड़ वो जी के मुंह पर लगा देती है और तभी अपने चश्मे निकाल कर बोलने लग जाती है कि अरे ये तुम थी, मुझे लगा कि कोई नौकरानी तुम्हारे कपड़े पहनकर यहाँ पर तुम्हारे ड्रेस खराब करना चाहती है। तो उसकी बातों को सुनकर जी को गुस्सा आता है और उसे बोलती है कि ड्रामे कम करो, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे जानबूझ के मारा। तभी वहाँ पर उसकी स्टेप मदर भी आ जाती है जो कहने लग जाती है कि अब तुम इस तरीके से एक दूसरे के साथ झगड़ा मत करो, एंड बाय द वे शिनी मैंने तुम्हारे लिए भी एक बहुत प्यारी सी ड्रेस खरीद रखी है। और ऐसे कहकर वो उसे एक ड्रेस देती है जो कि बहुत ही सस्ती ड्रेस होती है। शिनी को उस ड्रेस को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे वहीं पर ही फेंक देती है और बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए। तभी जी इससे बोलती है कि तुम्हारी ना इस ड्रेस से एक रुपए की भी ज्यादा औकात नहीं है, तो इसीलिए ही इसे ही पहनना। तो उसकी बातों को सुनकर शिनी हंसने लग जाती है। तभी वहाँ पर कुछ सर्वेंट आती है जो कि बहुत ही सारी ब्यूटीफुल ड्रेसेस वहाँ पर लेकर आ जाती है और वो वहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि मे युआन ने भेजी थी। इन सारी चीजों को देखकर तो जी को भी और उसकी मॉम को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी शिनी वहाँ पर से चली जाती है और उसके वहाँ पर से जाते ही जी अपनी मॉम से बिचिंग करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि अचानक से इसका एटीट्यूड इतना ज्यादा चेंज क्यों हो गया है। तभी उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, इसकी अकल को हमें ठिकाने लगाना ही पड़ेगा और जब तक हम ऐसे करेंगे नहीं ना तब तक ये सुधरेगी नहीं। तो कुछ ही देर बाद जैसे ही शिनी दोबारा से अपनी ड्रेसेस देखने के लिए आती है तभी देखती है कि सारी की सारी ड्रेसेस किसी ने खराब कर दी है और इतने में ही वो टैडी के पास जाती है जहाँ पर कि उसने कैमरा छुपाया हुआ था, क्योंकि उसे अपनी बहन के बारे में अच्छे तरीके से पता था कि वो किसी चीज को पाने के लिए किस हद तक जा सकती है। और उसका शक बिल्कुल सही था, उसकी ड्रेसेस को किसी और ने नहीं बल्कि मैं जी ने ही खराब किया था। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है युआन की जो कि उससे कहने लग जाता है कि मैं जानता था कि तुम्हें मेरे साथ पार्टी में आना ही नहीं है, इसलिए तो तुमने सारी ड्रेसेस खराब कर दी है। शिनी उसकी बातों को सुनकर उसे सारी बातें समझाती है, जिसके बाद युआन उसे एक नई शॉप में लेकर आता है और वहाँ पर काफी अच्छे तरीके से वो उसका मेकअप करते हैं और कुछ ही देर बाद एक से एक ड्रेसेस उसे दिखाने लग जाते हैं। बट युआन को तो उनमें से एक भी ड्रेस पसंद नहीं आती है क्योंकि वो चाहता था कि पार्टी में सबसे ज्यादा सुंदर उसकी वाइफ ही लगे। तभी लास्ट में वो एक ड्रेस ट्राई करके आती है जो कि जिस ड्रेस में वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, और तो जो युआन होता है वो उस ड्रेस को देखते ही उस ड्रेस को एकदम फाइनल कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों फाइनली पार्टी में चले गए थे, जहाँ पर पहले तो हमें जी दिखाई जाती है और जहाँ पर उसके साथ मौजूद होता है जिन। सभी के सभी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो कितनी एक्सपेंसिव सी ड्रेस है और कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल भी। सच में इस ड्रेस में आप एकदम फेरी की तरह लग रही हैं और देखो पूरी पार्टी में सबसे ज्यादा सुंदर भी आप लग रहे हो। अब जब उसकी इस तरीके से तारीफ कर रहे होते हैं ना, तभी वहाँ पर शिनी की भी एंट्री हो जाती है और शिनी की एंट्री होते ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमारी शिनी बन जाती है और सभी उसकी ड्रेस को देखने लग जाते हैं और अब जो तारीफ है वो जी ही कर रहे थे वो शिनी की करने लग जाते हैं। फिर क्या था, जी को इन सारी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो फटाफट से जाती है शिनी के पास उसकी बेइज्जती करने के लिए और कहती है कि ये ड्रेस कहाँ से चुरा ली तुमने। शिनी उसकी बातों को सुनकर हंसने लग जाती है और उससे कहने लग जाती है कि जो ख्वाब तुम्हारे हैं ना तुम सबके बारे में उसी तरीके से सोचती हो, ये मैंने चुराई नहीं है बल्कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया। तभी जी हल्की सी स्माइल देती है और उसके बाद जानबूझ के अपनी ड्रेस पर रिंग गिरा देती है ताकि सभी के सामने वो ब्लेम दे सके शिनी को और सबको ऐसा लगे कि शिनी ने ही उसकी ड्रेस खराब किया क्योंकि वो उससे जेलसी करती है। तभी वहाँ पर जिन भी आ जाता है और उसके बाद भला बुरा कहने लग जाता है शिनी के लिए। लेकिन अब शिनी पुरानी वाली शिनी नहीं थी जो कि उनकी बकवास सुनती, अब वो उन्हें अच्छे तरीके से जवाब देना जानती थी और साथ साथ अपनी कुछ एक्टिंग स्किल्स को भी परफॉर्म करना। जैसे ही वो उस पर चिल्लाने लग जाते ना, तभी जो हमारी शिनी होती है ना जोर जोर से रोने लग जाती है ताकि सबके सामने वो सिंपैथी गेन कर सके। और इतने में ही युवान भी उससे कहने लग जाता है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है जहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। जिसके बाद जी जो होती है अपना गुनाह कबूल कर देती है और उनके जाते ही जब जो युवान होता है वो देखता है शिनी के फेस पर, तो उसे पता चलता है कि ये तो इतने दूर से रो रही है लेकिन एक आंसू भी उसके फेस पे नहीं आया, तो कहने लग जाता है कि एक्टिंग कर रही थी अब तक। तो शिनी उसे बोलती है कि नहीं नहीं मैं एक्टिंग क्यों करूंगी, एक काम करते ना अब हम पार्टी इंजॉय करते हैं। ऐसे
गाने कहकर वो पार्टी इंजॉय करने लग जाते हैं। तो तभी जो हमारी शनिया होती है ना, अपना खुराफाती दिमाग लगाती है और वहाँ पर ड्रिंक होता है उसे मंगाती है। और तो और जो झूठ झूठ इंजाम जी ने उस पर लगाया था ना, अब उस इंसान को सच में वो कन्वर्ट करना चाहती थी, इसलिए वो उस पर ड्रिंक गिरा देती है सभी के सामने जानबूझ के। जिसके बाद तो जी की सभी के सामने इतनी बुरी बेइज्जती होती है और अब तो उसे किसी भी तरीके से बस शिनिए से बदला लेना था, इसलिए वो जिन को बुलाती है और उससे बोलती है कि कुछ भी करो लेकिन मुझे इस लड़की को सभी के सामने जलील करना है। इसलिए वो क्या करते हैं कि जो शिनिए होती है, जिस ड्रिंक को वो उठा रही होती है, वो उस पर नशे की गोली डाल देते हैं ताकि सभी के सामने वो उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा सके। लेकिन शिनिए इतनी भी बोली नहीं थी कि उनकी चाल पे इतने इजीली फंस जाए, बट हाँ वो उस ड्रिंक को अपने साथ लेकर जरूर आ जाती है और उसके बाद इस तरीके से एक्टिंग करने लग जाती है जैसे कि उसे नशा चढ़ने लग गया है। और तभी इतने में ही उसके सामने जी आ जाती है और उसकी बेइज्जती करने लग जाती है। लेकिन जब भी वो उसे अपने साथ लेकर जा रही होती है ना, तभी जो हमारी शिनिए होती है जबरदस्ती जी को ही उस ड्रिंक को पिला देती है, जिसके बाद उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता है और वो उसे उसी रूम में भेज देती है जिस रूम में वो शिनिए को भेजने वाली थी। थोड़ी देर बाद जो शिनिए होती है वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है और इतने में ही उसके पीछे से अचानक से आ जाता है युआन और उससे कहने लग जाता है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें उतने देर से ढूंढ रहा था। तभी शिनिए उसे गले लगा देती है और उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें बिल्कुल भी किसी को कुछ नहीं करने दूंगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूं। उसकी बातों को सुनकर युआन को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये क्या बोल रही है। लेकिन तभी शिनिए उसका हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है कि तुम्हें कुछ चीज दिखानी है और वो उसे रूम में लेकर जाती है जहाँ पर जो जी होती है उसके अंदर नशा चढ़ने लग जाता है। और उसके बाद वो सीधे जाती है जिन के पास और उसके कपड़े निकालने लग जाती है। जिन उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर दरवाजा खोलकर शिनिए युआन उनके साथ काफी लोग भी आए हुए होते हैं। शिनिए अपनी बहन को देखकर कहने लग जाती है कि तुम इतनी इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो, तुम आखिरकार ये सारी चीजें कैसे कर सकती हो। तो तभी जो जी होती है कहने लग जाती है कि तुम ही ने मुझे यहाँ पर फेंका है और मैं जानती हूँ कि ये सारी चीजें तुमने ही मेरे अगेंस्ट प्लान की है। तो तभी शिनिए कहने लग जाती है कि वाह उल्टे काम करो तुम और इंजाम लगाओ मुझ पे, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो पूरे टाइम भर युआन के साथ थी, क्यों युआन मैं सही कह रही हूँ ना। तो उसकी बातों को सुनकर युआन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, जिसके बाद जी को गुस्सा आता है और वो वहाँ पे से भाग कर चली जाती है। और तो और उसके पीछे पीछे जिन भी। इन सारी चीजों को देख कर जो युआन होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और थोड़े ही देर बाद वो शिनिए का हाथ पकड़ कर उसे बार बार खींच कर आता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम ये सारी चीजें क्यों कर रही हो, मैं अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ, तुम जेलस फील करवाना चाहती हो ना जिनको, इसलिए मेरा यूज कर रही हो। ऐसा ही कहकर वो उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है। शिनिए को उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें कितने बार बताऊं कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूं, जब मैंने तुम पर प्यार नहीं किया था तब तुमने मुझ पर हमेशा भरोसा किया, अब जब मैं तुमसे जेन्युइन प्यार करती हूँ तो तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते हो, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ पहले बहुत ज्यादा बुरा किया है लेकिन अब मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आई ट्रूली लव यू। उसकी बातों को सुनकर जो युआन होता है उसे गले लगा देता है और उसके बाद उसे कहने लग जाता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें आज के बाद ये सारी चीजें नहीं बोलूंगा। तभी वहाँ पर युआन का मैनेजर आ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि बॉस यहाँ पर आप सेफ नहीं है इसलिए जल्दी से कार में बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद जो युआन होता है शिनिए का हाथ पकड़कर उसको भी अपने साथ कार में लेकर चलना जाता है। पूरे रास्ते पर शिनिए जो होती है उसी टाइम को याद कर रही होती है जिस टाइम पर जो युआन था वो उसे बचाने के लिए आता है और उसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। सोचती है कि उसने युआन के साथ पहले बहुत ज्यादा बुरा किया है और उसके प्यार को कभी भी नहीं समझा है लेकिन अब उसकी बारी है कि वो उसका हमेशा अच्छे तरीके से ध्यान रखे और वो उसे कभी भी धोखा ना दे। इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा युआन को उस पर भरोसा करना क्योंकि उसने पहले उसका भरोसा तोड़ा है लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगी। थोड़ी ही देर बाद जो शिनिए होती है युआन की तरफ देखकर उससे कहने लग जाती है कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना। तभी युआन उससे बोलता है कि हाँ मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। इसी तरीके से दोनों के दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। तभी ड्राइवर की तरफ देखते हैं जिनको काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है तो इसलिए ड्राइवर खुद ही वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ही दोनों के दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। और थोड़ी देर बाद युआन शिनिए को घर पर लेकर आता है और उसके बाद उसके तरफ देखकर स्माइल करने लग जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि शिनिए ऐसा क्यों कर रही है लेकिन जो कुछ भी था उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि वो शिनिए से पहले से ही बहुत ज्यादा प्यार करता था एंड जिस प्यार के लिए वो इतने टाइम से तरसता रहा फाइनली उसे आज वो प्यार मिल रहा था। वो बस रात के टाइम पर शिनिए को ही देख रहा होता है। तभी किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से उसे वहाँ पर से जाना पड़ता है और जैसे ही वो वहाँ पर से चला जाता है तभी थोड़ी देर बाद हमारी शिनिए की भी नींद खुल जाती है
एंड दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो बाहर जाने वाली होती है, तभी उसके दोनों बॉडीगार्ड वहीं पर ही खड़े होते हैं और उसे देखकर कहने लग जाते हैं कि आप बाहर नहीं जा सकती है मैम। शिनी उसे देखकर कहने लग जाती है कि तुम मुझे मत बताओ क्या करना है और क्या नहीं करना है। तभी वहाँ पर सर्वेंट आती है और उसे कहने लग जाती है कि जी आ रखी है और ज़बरदस्ती अंदर आने का बोल रही है। तो तभी वो उसे कहती है कि थोड़ा उसे वेट करने के लिए बोलो, मैं ही चली जाती हूँ। ऐसा ही कहकर जैसे ही वो बाहर आती है, तभी जी ड्रामा करने लग जाती है, उसे एक जोरदार थप्पड़ मारने वाली होती है, तभी शिनी ही उसे मार देती है। जब सी की ये चाल कामयाब नहीं हो पाती है तो सामने पड़ा हुआ नाइफ लेकर खुद ही का हाथ काट देती है और जोर जोर कर बुला कर कहने लग जाती है कि यहाँ पर ये मेरा मर्डर करना चाहती है, मुझे कोई बचा लो। युआन अपने काम से अभी भी वापस आया था और ये सारा ड्रामा देखकर भागकर वहीं पर ही आ जाता है। तभी वो जोर जोर से रोकर कहने लग जाती है कि इसने मेरा मर्डर करना चाहा। शिनी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था और वो जानती थी कि वो बोलेगी तो उसकी बातों पर कोई भरोसा भी नहीं करेगा, इसलिए वो एक्टिंग करने लग जाती है जैसे कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है ताकि युआन का पूरा ध्यान उस पर जाए। उधर ही उसकी इस एक्टिंग को देखकर जी एकदम हैरान हो गई थी और कहने लग जाती है कि इसे क्या हो गया। तभी जी सिंपैथी पाने के लिए युआन से कहने लग जाती है कि मेरे हाथ पर दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल में लेकर जाओ। लेकिन युआन उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता है और उसके बाद सीधे हॉस्पिटल में शिनी को लेकर चला जाता है। तो उधर ही डॉक्टर जो होते हैं शिनी का पूरा चेकअप करते हैं। शिनी तो काफी ज्यादा हैरान रह गई थी क्योंकि वो जानती थी कि डॉक्टर जब बताएंगे कि इसे क्या हुआ है तो वो समझ जाएगा कि इसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। तभी युआन भी वहाँ पर आता है और डॉक्टर को देखकर पूछने लग जाता है कि इसे क्या हुआ है। पहली बार तो जो शिनी होती है बहुत ज्यादा चुप कराने की कोशिश करती है डॉक्टर को, लेकिन उसके बाद डॉक्टर बोल ही देता है कि ये तो बिल्कुल हेल्दी है। जिसके बाद युआन उसे कहने लग जाता है कि झूठ क्यों बोला तुमने। तो तभी शिनी उससे कहती है कि इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड किसी और लड़की को अटेंशन ना दे बल्कि मैं भर भर कर मुझे अटेंशन दे। और तुम्हें बताओ इसमें मैंने कुछ गलत किया क्या? मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ जी को और मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि तुम उसके पास जाओ, तुम बस मेरे साथ रहा करो। ऐसा ही कहकर वो उसे किस करने वाली होती है, तभी वो उसे रोक लेता है। एंड इतने में ही वहाँ पर जी की मॉम की भी एंट्री हो जाती है। तो वहाँ पर आते ही जोर जोर से चिल्ला कर कहने लग जाती है कि इस लड़की ने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है और यहाँ पर देखो किस तरीके से उड़ रही है, इसको तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। तभी शिनी दोबारा से अपनी एक्टिंग करना शुरू कर देती है और भाग कर अपनी स्टेप मदर के पास जाकर उनसे कहने लग जाती है कि आप मेरे साथ इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती है लेकिन मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, आपने किस तरीके से मेरी पूरी ड्रेसेस खराब की, ये सारी चीजें मेरे पास रिकॉर्डेड है लेकिन फिर भी मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि सभी के सामने आपकी इमेज बरकरार रहे। लेकिन अगर आप मेरे से ये सारी बातें बोली रही है तो मुझे सबके सामने बताना ही पड़ेगा। ऐसा ही कहकर वो युआन के पास जाती है और उसके बाद उसको सारी रिकॉर्डिंग दिखाने लग जाती है, जिसके बाद युआन काफी ज्यादा गुस्सा करता है उसकी स्टेप मदर पर और उनसे कहता है कि आखिरकार आपको ये सारी चीजें करने की क्या जरूरत थी। इन सारी बातों को सुनकर ना उसके स्टेप मदर जितना हीरोइन बनकर वहाँ पर आई थी ना उतनी ही उसकी बेइज्जती करवा कर वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वहाँ से जाती है तभी शिनी जो होती है वो युआन को किस करने वाली होती है, लेकिन युआन उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि बहुत ज्यादा एक्टिंग करती हो तुम, इतनी भी एक्टिंग मत करा करो। नेक्स्ट सीन में जी की मॉम जी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उसे कहती है कि आखिरकार इस तरीके से ड्रेसेस पर तुम्हें ये सारी चीजें गिराने के लिए किसने कहा था, कर दिया ना पूरा प्लान फ्लॉप, अब सारी की सारी चीजें मुझे ही हैंडल करनी पड़ेगी और मैं तो इस अच्छे तरीके से इस लड़की को सबक सिखा कर रहूंगी। तो कुछ ही देर बाद हम शिनी को देखते हैं जो कि आग बंद कर युआन को अपने साथ सरप्राइज देने के लिए जाती है और थोड़ी देर बाद उसके लिए एक प्यारा सा केक लेकर आती है। इन सारी चीजों को देख कर युआन को पहले की याद आने लग जाती है जब पिछले बर्थडे में गुस्से में आकर शिनी ने युआन का केक ही नीचे गिरा दिया था और वो उससे कहती है कि वो उससे नफरत करती है और ऐसा ही कहकर भाग कर वहां से चली जाती है। लेकिन आज एक वो दिन था जब वो ही उसके लिए इतना प्यारा केक गिफ्ट लेकर आई थी, जिसके बाद वो उससे बोलती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद युआन उसे गले लगा लेता है और उसके बाद उसे उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शिनी सोई हुई होती है, तभी उसे उसके स्टेप मदर का कॉल आता है जहाँ पर वो उससे बोलती है कि मुझे तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा देना है जो कि तुम्हारे हिस्से का था तुम्हारी मॉम के बदले का, बट इसके लिए तुम्हें होटल में आना पड़ेगा। इन सारी बातों को सुनकर जो शिनी होती है वो उसके पास जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो ये भी अच्छे तरीके से जानती थी कि ये पक्का कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं उसके खिलाफ। और था भी कुछ ऐसा ही, ये दोनों के दोनों माँ बेटी उसके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे और इसलिए उसे वहाँ पर बुलाया भी था। तो कुछ ही देर बाद युआन जब काम कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ तो किसी होटल में जा रखी है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो उधर ही जो शिनी थी वो इतनी भी बुद्धू नहीं थी, अपने साथ अपने दो बॉडीगार्ड को भी लेकर आई हुई होती है क्योंकि वो अपनी स्टेप मदर और साथ साथ सिस्टर को भी अच्छे तरीके से जानती थी। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही वो रूम में एंटर होती है
तभी वो वहाँ पर दो आदमियों को भेज देते हैं उसका रेप करने के लिए। लेकिन इतने में ही शिनिया अपने बॉडीगार्ड्स को वहाँ पर बुला देती है, जिसके बाद उसके बॉडीगार्ड उन दोनों लड़कों के ऐसे चटनी बनाते हैं और उसे कहते हैं कि जो कुछ भी इन्होंने तुम्हें इसके साथ करने के लिए कहा था ना, वो उस बुढ़िया के साथ करो। जिसके बाद वो उसके स्टेप मदर को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सी की एंट्री हो जाती है और वो ये सारी चीजों को देख कर कहने लग जाती है कि तुम मेरी मॉम के साथ कुछ भी नहीं कर सकती हो, मेरी मॉम को छोड़ दो, वो कितनी ज्यादा ओल्ड है, आखिरकार तुम उसके साथ इस तरीके से बिहेव कैसे कर सकती हो। तभी जो शिनी होती है वो खड़ी होती है और जी के पास जाकर उसका गला दबाने लग जाती है और उसी दिन को याद करने लग जाती है जिस दिन सीन यही हरकतें वो शिनी के साथ कर रही थी। वो भी उससे यही बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मेरा गला दर्द हो रहा है। लेकिन जी उसकी एक बात भी नहीं मानती है, उसे तो ये सब करने में मजा आ रहा था। तो कुछ ही देर में जैसे ही वहाँ पर युआन की एंट्री होती है, तभी वहाँ पर एक बोतल पड़ी हुई होती है। जो जी होती है वो उस बोतल से मारना तो शिनी के सर पर चाहती थी, लेकिन गलती से वो युआन के सर पर लग जाता है क्योंकि वो बीच में आ जाता है शिनी को बचाने के लिए। शिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जी से कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। थोड़ी देर बाद वो उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर शिनी युआन से कहती है कि तुम ठीक हो ना, मेरी तो जान ही चली गई थी, तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा रो रही थी, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी। तभी युआन उसे बोलता है कि अगर मैं बीच में नहीं आता तो वो तुम्हारे सर पर लग जाता और उसके बाद तुम्हें चोट लग जाती। ठीक युआन ने मुझ पे लग गया, खैर अब मैं ठीक हो गया हूँ। तभी वहाँ पर जी भी आ जाती है और युआन के सामने रोते हुए कहने लग जाती है कि मेरी मॉम ने तो इसे वहाँ पर प्रॉपर्टी देने के लिए बुलाया था, लेकिन ये उनके साथ बदतमीज से बात करने लग गई और मेरी मॉम के साथ इतने बुरे तरीके से बिहेव कर रही थी, जिसके बाद मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन तभी शिनी खड़ी होती है और उसके बाद उसे रिकॉर्डिंग सुनाने लग जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम उनको कहती है कि अब तुम इस लड़की के साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रूफ हो जाता है कि सारी गलती शिनी के स्टेप मदर की थी और जिस तरीके से वो उसे फंसाना चाहते थे उस तरीके से वो आज खुद ही फंस गए थे। जिसके बाद जी का मुंह तो देखने लायक था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे क्या करे। अब ये सारी चीजें युआन की वाइफ के साथ हो गई थी तो इतने इजीली वो उसे जाने तो दे नहीं सकता था, इसलिए वो वहाँ पर फटाफट से जी की मॉम को बुलाता है और उसके बाद जो जी की मॉम होती है वो वहाँ पर आते ही अपनी कहानियां बनाने लग जाती है। लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि उनके पास सबूत भी था, जहाँ पर साफ साफ पता चल रहा था कि शिनी के स्टेप मदर के क्या इंटेंशन थे। इसी तरीके से वो उसे जेल में डालने के लिए बोल देते हैं। जी चिल्ला चिल्ला कर उनसे कहती है कि मेरी मॉम को छोड़ दो प्लीज, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, वो बेचारी इतनी ओल्ड है। शिनी उससे बोलती है कि तुम्हारी मॉम इतनी ओल्ड है तो उनपे इतना दिमाग तो होना चाहिए था ना कि किसी लड़की की इज्जत लूटने में क्या अंजाम होते हैं, और वो ये सारी चीजें डिजर्व करती है, इसलिए उनके साथ ये सारी चीजें हो रही है और ये सब होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है, तुम भी नहीं। इन सारी चीजों को देखकर जी को बहुत ज्यादा जाता है और बाहर आकर वो फटाफट से जिन को कॉल करती है और उससे कहने लग जाती है कि किसी भी हालत में इस लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा। तो थोड़ी ही देर बाद जैसे ही युआन और शिनी घर पर जाते हैं, तभी वहाँ पर सर्वेंट आती है जो कि शिनी को बुके देते हुए उसे कहने लग जाती है कि ये बुके आपके लिए जिन ने भिजवाया है। जिसके बाद युआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शिनी के पास जाकर उसे कहने लग जाता है कि अब ये सब क्या है। शिनी उससे बोलती है कि मुझ पर भरोसा रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मैं नहीं जानती हूँ कि जिन ने मुझे ये बुके क्यों गिफ्ट किया है, मैं जानती हूँ कि वो हम दोनों के बीच में दरार लाना चाहता है, इसलिए वो ये सारी चीजें कर रहा है, लेकिन प्लीज जिस तरीके से तुम मुझ पे ट्रस्ट करते आ रहे हो मुझ पे ट्रस्ट करो। तो उसके बाद जो जिन होता है वो उसे उठाकर अपने रूम में लेकर आ जाता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा ट्रस्ट है, और ऐसा ही कहकर वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ पूरी नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शिनी की आंखें खुलती है, तभी वो देखती है कि उसका फोन बजने लग जाता है और तो और उसको किसी और का नहीं बल्कि मैं जिन का कॉल आया हुआ था। और जैसे ही वो उसका कॉल उठाती है तो तभी जिन उसे कहने लग जाता है कि तुम मेरे साथ इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो मैं तुमसे उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज इस तरीके से तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और हाँ मैं तुम्हें प्रपोज भी करना चाहता हूँ, अगर तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करती हो ना तो आज इस क्लब पर आ जाना। शिनी उसे सबक सिखाना चाहती थी इसीलिए वो उसकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाती है और साथ साथ उससे मिलने के लिए भी। थोड़ी ही देर बाद अपने पर्स में नाइफ लेकर वो चली जाती है उससे मिलने के लिए, जहाँ पर जिन बड़े ही प्यार से उससे बात करता है और उसके बाद उसे पूरा ये ट्रस्ट दिलाता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। लेकिन शिनी उसकी सारी असलियत को जानती थी इसलिए वो उसकी इन हरकतों पे बिल्कुल भी नहीं पिघलती है।
तो कुछ ही देर बाद उन दोनों के साथ में वीडियो जी बना लेती है और उसके बाद फटाफट से उस वीडियो को सेंड कर देती है युआन के पास। युआन पूरा ट्रस्ट करता था शिनये पर, लेकिन तभी उसका मैनेजर जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, जो शिनये है उसकी लोकेशन तो वहीं की बता रही है जहाँ पर किस टाइम पर जिन है। इसका मतलब कि वो दोनों के दोनों साथ में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बॉस, जैसा आप सोच रहे हैं वो बहुत ही अच्छी लड़की है। तो उधर ही जब शिनये होती है वो जिन को थोड़ा सा भी भाव नहीं देती है ना, तो तभी जिन उसका गला पकड़ लेता है और उसके बाद उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तभी करेक्ट टाइम पर वहाँ पर एंट्री हो जाती है युआन की, और युआन जैसे ही ये सारी चीजें देखता है तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पर आते ही बहुत ज्यादा मारता है जिन को और उसके बाद उसे वहाँ पर से भगा भी देता है। शिनये इन सारी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि जब भी वो मुसीबत में होती है उसी टाइम पर युआन उसे बचाने के लिए आ जाता है। लेकिन युआन उससे बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो उसे धोखा दे रही है। युआन थोड़ी ही देर बाद शिनये का हाथ खींच कर उसे अपने साथ लेकर आता है और जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स का मजाक हो रखी है, तुम मुझे बस यूज एंड थ्रो वाली पेन समझ रही हो, इसलिए तो जब चाहो मेरी फीलिंग का इस्तेमाल करती हो और जब चाहे मेरी फीलिंग के साथ खेल कर चली जाती हो, आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। शिनये उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज तुम मेरी बातों पर भरोसा रखो। लेकिन अब की बार जो युआन होता है वो उसकी एक बात भी नहीं मानता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्या इंटेंशंस है। इस तरीके से वो उसे अपने साथ घर पर लेकर आता है, जहाँ पर जो हमारी शिनये होती है वो बेहोश पड़ी हुई होती है और थोड़ी देर बाद वो उसे बेड पर लिटाकर उसी के सामने बैठकर उसे देखने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि किस तरीके से पहले वो उससे झूठ बोलकर हमेशा दूर जाने की कोशिश किया करती थी। उसे लगता था कि शिनये उसे पसंद करने लग गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद वो आज भी जिनको ही पसंद करती है, इसलिए तो वो उससे आज भी मिलने के लिए गई थी। लेकिन युआन को असली सच्चाई पता नहीं थी कि आखिरकार वो क्यों वहाँ पर गई थी। कुछ ही देर बाद जैसे ही युआन वहाँ से चला जाता है, तभी जो हमारी शिनये होती है उसे भी होश आ जाता है। उसके होश आते ही युआन भी वहाँ पर आ जाता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारे दिल को बड़ी खुशी मिलती है ना मुझे ठेस पहुँचाकर। शिनये उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी उसकी नज़र अपने पैर पर पड़ती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जो युआन है उसने उसे चेन से बांधा हुआ है और इन सारी चीजों को देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम मेरे साथ इस तरीके से जानवरों की तरह बिहेव कैसे कर सकते हो। बट युआन उसकी एक बात भी नहीं मानता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम यही सारी चीजें डिजर्व करती हो, क्योंकि तुम एक बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हो। ऐसा ही कहकर वो उसे अकेले छोड़कर वहां से चला जाता है। ये सब करते हुए युआन को भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, लेकिन इस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद उसके लिए उसका गुस्सा था। तो उधर ही जो शिनये होती है वो नीचे बैठकर रोने लग जाती है और कहने लग जाती है कि आखिरकार ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तभी वहाँ पर लाइट भी भाग जाती है और लाइट के भागते ही जो शिनये होती है वो बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है। उसे पुरानी सारी बातें रिमाइंड होने लग जाती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और सबको मदद के लिए वहाँ पर बुलाने लग जाती है। तभी वहाँ पर युआन आ जाता है और उसके बाद उसे इस हालत में देखकर उसे गले लगा लेता है। शिनये उसे देखते ही इतने कस के उसे गले लगा लेती है और उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है और उसे बोलती है कि प्लीज तुम मेरे पास रहो, मुझे छोड़कर यहाँ से मत जाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। युआन उसे बोलता है कि तुम्हें रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर ही तुम्हारे पास हूँ। तभी वापस सर्वेंट आती है और उनसे कहती है कि ना जाने कैसे लाइट चली गई थी। लाइट आते ही जो शिनये होती है वो उससे कहने लग जाती है कि मुझे छोड़कर मत जाना। ऐसा ही कहकर वो वहीं पर ही बेहोश जाती है। थोड़ी देर बाद युआन उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे क्लस्ट्रोफोबिया है और साथ साथ आपको इसका बहुत ज्यादा ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि लगता है कि इनके साथ पहले बहुत ही बुरी चीज हुई है जिसकी वजह से उन्हें इस चीज से इतना ज्यादा डर लगता है। लगता है कि इस टाइम पर ये मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अच्छे तरीके से इसका ध्यान रखें। इसी तरीके से जो युआन होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और के सामने आकर बैठ जाता है। तो कुछ ही देर बाद मैनेजर वहाँ पर आकर युआन को बताता है कि इन सारी चीजों में शिनये की बिल्कुल भी गलती नहीं थी, क्योंकि उसे वहाँ पर जिन ने ही बुलाया था और वो तो वहाँ पर उसको जवाब देने के लिए गई थी, जहाँ पर वो उससे बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही थी और ये सारी चीजें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रखी है। सारी चीजों को जानकर युआन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, तो उधर ही शिनये को भी होश आ जाता है। वो उसकी शक्ल देखकर उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती है और उससे कहती है कि जितना हो सके मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो मेरे साथ आखिरकार इतने ज्यादा रूड कैसे हो सकते हो युआन, मैंने हमेशा तुम्हारी भलाई के बारे में सोचा है और तुम मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करते हो, मुझसे दूर रहो। उसकी बातों को सुनकर युआन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसके बाद वो उसे गले लगाकर उससे कहने लग जाता है कि मुझे माफ कर दो, मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और आज के बाद मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम पे कभी भी शक नहीं करूंगा। ऐसा ही कहकर वो उसे किस कर लेता है और उसके बाद उससे बोलता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा और तुम जहां भी जाओगी ना तुम्हारे साथ आऊंगा, बट प्लीज मेरे साथ इस तरीके से बिहेव मत करो।
करूँ। और अगर तुम्हें मेरा चेहरा देखकर सच में इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ऐसा ही कहकर जब वो वहाँ से जाने वाला होता है तभी शिनी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है, आज के बाद तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगी और इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। उसकी इन सारी बातों को सुनकर युआन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी जो जी होती है वो कॉल करती है शिनी को और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम इस तरीके से हमारे साथ बिहेव क्यों कर रही हो, देखो जिन तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, तुम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तुम बात कर उसे क्लियर कर लो। लेकिन शिनी उसकी एक बात भी नहीं मानती है और उसकी बातों को सुनकर कॉल काट देती है, जिसके बाद वो दोनों के दोनों डिस्कस करने लग जाते हैं कि आखिरकार हम ऐसा क्या करें कि जो शिनी है वो उनके कब्जे में आ जाए और जिस तरीके से पहले वो उनकी सारी बात माना करती थी अब भी वो उनकी बात मानने लग जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युआन को पार्टी का इनविटेशन आया था जहाँ पर वो जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी था, लेकिन वो वही जगह थी जहाँ पर पिछले बार एक स्टेप सिस्टर ने और उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे मारने की कोशिश की थी और वहीं पर ही उसकी डेथ भी हुई थी। इन सारी चीजों को देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो उसे पार्टी में लेकर जाए, जहाँ पर युआन उसे पार्टी में लेकर जाने के लिए हाँ बोल देता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि जो शिनी थी वो काफी ज्यादा चौकन्नी थी क्योंकि वो जानती थी कि पक्का कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग तो हो रही है उसके खिलाफ। इतने में ही उसकी नजर जिन पर पड़ती है और जैसे ही वो जिनको देखती है तो वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ करने के लिए तो बाहर जा रहा है, और तो और वो उसका पीछा करने लग जाती है। उसका पीछा करते करते जैसे ही वो बाहर जाने वाली होती है तभी पीछे से अचानक से वहां पर आ जाती है जी और जी उसके सर पर डंडा मार देती है जिसकी वजह से वो उसे किडनैप कर लेते हैं और तो और उसके बाद उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करते हैं। जी ने शिनी को बंदी तो बना दिया था लेकिन उसकी नजर बार बार जिन को ढूंढ रही थी क्योंकि जिन तो वहाँ पर आया ही नहीं था, इसलिए तो जिन को ढूंढने के लिए वो बाहर पर चली जाती है जहाँ पर शिनी अपने आप को अकेले देखकर एक तरकीब उसके दिमाग में आती है। वहाँ पर एक नुकीली चीज होती है जिसकी वजह से वो रस्सी को काटकर बाहर चली जाती है, लेकिन जैसे वो बाहर आती है तभी देखती है कि युआन पर जिन गोली चलाने वाला है, इसलिए वो उसके बीच में आ जाती है जिसकी वजह से वो गोली उस पर लग जाती है और मरते मरते भी वो उसे कहने लग जाती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जो मैंने तुम्हें बचा लिया। युआन उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ऐसा ही कहकर वो उसे फटाफट से हॉस्पिटल में लेकर जाता है और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि इसे किसी भी हालत में बचा लेना। युआन को बहुत ज्यादा डर लग रहा था और साथ ही उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरीके से उसकी प्यारी शिनी ठीक होगी, क्योंकि वो चाहता था बस कुछ भी हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए और उसकी वाइफ ठीक हो जाए। और साथ साथ उसने ये भी ठान लिया था कि जिसने भी उनके साथ ये सारी चीजें की है ना उसे वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, और हाँ उसे गोली किसी और ने नहीं बल्कि मैं जिनने मारना चाहिए थी, इसका मतलब कि वो उनका पक्का कुछ बुरा चाहता है। देर बाद हम देखते हैं कि फाइनली जो ऑपरेशन होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है और हमारे शिनी को भी होश आ जाता है। होश आते ही वो सबसे पहले ढूंढने लग जाती है युआन को और युआन को देखते ही वो उसे जोर से गले लगा देती है और उससे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी युआन उसे बोलता है कि तुम्हें वहाँ पर जाने की क्या जरूरत थी, आखिरकार तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं, और मैं ये बात भी अच्छे से समझ गया, इसलिए तुम पार्टी में आने की जिद कर रही थी ना ताकि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में खुद को नुकसान पहुंचा लो। तुम ये बात क्यों नहीं समझती हो कि अगर तुम्हें कुछ होगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, तुम मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कभी भी इस तरीके से मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी। शिनी उससे बोलती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरे हृदय में तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी और तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। इसी तरीके से जहां शिनी की हालत थोड़ी सी ठीक क्या हुई थी, उधर ही जो जी थी वो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी कि किस तरीके से उसे जान से मारना है शिनी को। तभी वो ड्रेस चेंज करके नर्स बनकर आ जाती है जहाँ पर वो अंधेरे में ही शिनी को मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से उजाला होता है और सभी वहाँ पर आ भी जाते हैं, जिसके बाद जो जी होती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। युआन भी वहाँ पर आता है और उसके बाद शिनी की तरफ देखकर उससे कहने लग जाता है कि अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अब सारे के सारे चीजें इसके लिए तुम्हें जो भी करनी है ना तुम वो खुद ही करो शिनी, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। ऐसा ही कहकर वो तो वहां से चला जाता है, लेकिन जी जो थी वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। हमारी शिनी जी के पास जाती है और उसके बाद उसे कहने लग जाती है कि बहुत मजा आता ना तुम्हें मीर को परेशान करने में, आखिरकार मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, मैंने तुम्हें हमेशा से अपनी बहन की तरह माना लेकिन तुमने मेरे साथ हमेशा यही सारी चीजें की है, जितना प्यार मैंने तुमसे किया था अगर उसका 1% प्यार भी तुम मुझे करती ना तो आज मुझे इस तरीके से जानवर बनने पर कभी भी मजबूर नहीं होती। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है ना उसी की वजह से आज मैं इतनी पत्थर दिल हो गई हूँ कि अपनी बहन को ही नुकसान पहुँचाने की कगार पे आ गई हूँ। खैर मुझे अब तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी करेगी वो पुलिस ही करेगी। ऐसा ही कहकर वो युआन को वहाँ पर बुलाती है और थोड़ी देर बाद वो उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। तभी युआन शिनी के पास जाता है और उसके बाद उसे बोलता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है,
शिनिए उसके पास आकर उसे कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हें बहुत ही जरूरी बात बतानी है। और इसी तरीके से वो उसे पुरानी सारी बातें बताती है कि किस तरीके से उसके स्टेप सिस्टर ने और उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। और वो उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि इन सारी बातों को सुनकर तुम मुझे पागल समझोगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बातों पर भरोसा करो। युआन उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है। इस तरीके से जो शिनिए होती है वो उसे सारी बातें बताती है कि उन दोनों ने उसके साथ क्या क्या किया था। ऐसा ही कहकर वो जोर जोर से युआन के सामने रोने लग जाती है, जिसके बाद युआन को उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और उसके बाद वो उसे शांत करवाता है और उससे कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। शिनिए उसे बोलती है कि पहले मैंने तुम्हारी अहमियत बिल्कुल भी नहीं पहचानी थी, मुझे हमेशा से तुम बहुत ज्यादा बुरा लगते थे और ऐसा लगता था कि जिन्ही मेरे लिए सही है, लेकिन आज मुझे ये रियलाइज है कि तुमसे ज्यादा बेहतर लड़का मुझे अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं मिल सकता है, इसलिए तुम मेरे साथ कभी मत छोड़ना, चाहे मुझे कोई भी छोड़कर क्यों ना चले जाए, बस तुम मेरे साथ रहना। ऐसे तरीके से दोनों के दोनों जब एक दूसरे से रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर मैनेजर की एंट्री हो जाती है और उन दोनों की बातों को सुनकर वो शर्माने लग जाता है। तभी युआन उससे बोलता है कि तुम बड़ा शर्मा रहे हो, आखिरकार क्या मसला है? तो वो उससे बोलता है कि कुछ नहीं, बस आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए आया था। इसी तरीके से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो जिन था फाइनली अब वो अपनी कंट्री को छोड़कर वहाँ से जाना चाहता था, क्योंकि उसके साथी को तो जेल हो गई थी अब जो नेक्स्ट टारगेट था उनका वो कोई और नहीं था बल्कि मैं जिन था। लेकिन इतने इसलिए तो युआन और शिनिए उसे वहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकते थे क्योंकि वो जानते थे कि वो बहुत ही बुरा इंसान है और उसे उसके कर्मों की सजा तो मिलनी ही चाहिए। जब शिनिए उनकी बातें सुनती है और उसे पता चलता है कि वो जिनको ढूंढने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो तभी वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो उसकी बातों को सुनकर युआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि अपनी वजह से मैं तुम्हारी जान दोबारा से रिस्क में नहीं डाल सकता हूँ, तुम बस घर पे रहो और आराम करो। शिनिए उससे बोलती है कि ठीक है, लेकिन वो जानती थी कि उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि जिन बहुत ही ज्यादा शातिर है और उससे पता चलेगा कि वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसलिए थोड़ी देर बाद वो जिन को कॉल करती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं ये बात पे जानती हूँ कि तुम यहाँ ये वाली कंट्री छोड़कर जा रहे हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ क्योंकि तुम्हारी कंपनी तो बैंकक्रप्ट हो गई है ना, तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं है और बिना पैसों के तुम जाओगे भी कहाँ, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। तो जिन उसकी बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि इस टाइम पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। शिनिए भी थोड़ी देर बाद अपने पैसों की अटैची लेकर चल पड़ती है उससे मिलने के लिए और कुछ ही दूर पे से उसको जिन दिखाई भी देता है। जिन उसे देखकर फटाफट से ऊपर आने के लिए बोलता है और तभी वहाँ पर सही टाइम पर पहुँच जाते हैं युआन। शिनिए फटाफट से जिन के पास जाती है और उसके बाद उससे बातें भी करती है। तभी वो देखती है कि उसके पास गन है, वो फटाफट से उस गन को निकाल लेती है और इसी तरीके से युआन की भी एंट्री तब तक वहाँ पर हो जाती है, जिसके बाद वो जिन को पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसे पकड़ कर फटाफट से पुलिस के हवाले कर देते हैं ताकि वो दोबारा से कुछ और चीज ना कर पाए। जिन तो पकड़ा गया था, इस बात की तो उनको खुशी थी, लेकिन जो शिनिए थी वो बहुत ज्यादा घबराई हुई भी थी क्योंकि उसे साफ साफ युआन ने मना किया था यहाँ पर आने के लिए और वो यहाँ पर आई भी थी। बट वो उसके सामने नाटक करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि सच में मेरा गला बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज तुम मुझे डांटना मत। युआन उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है, तुम्हें लगता है कि ये सारी चीजें मैं अपने भले के लिए कर रहा हूँ? मैं ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो और अगर सच में तुम्हें कुछ भी हो जाता ना तो मैं अपने आप को जिंदगी भर में कभी भी माफ नहीं कर सकता था। शिनिए उससे बोलती है कि हुआ तो नहीं ना, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, बस इस बार तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। और वैसे भी अब वो दोनों के दोनों जेल में चले गए हैं, इसलिए थोड़ी सी स्माइल तो कर दो ना, इस तरीके से खड़ूस की तरह मुंह बनाकर क्यों रख रखा है। तो युआन उससे बोलता है कि ठीक है, ये सारी चीजें छोड़ो और आप जल्दी से मेरे साथ घर पर चलो। ऐसा ही कहकर वो उसे अपने साथ लेकर घर पर आ जाता है, जहाँ पर जो शिनिए होती है अभी भी बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और उसे बोलती है कि काम डाउन हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, मैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए गई थी, प्लीज तुम मुझे एक बार माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी भी कुछ नहीं करूंगी। तो उसकी बातों को सुनकर जो युआन होता है वो उसे माफ कर देता है और उसके बाद उसे गले लगा देता है और उसके बाद उससे कहता है कि थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना तब से मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई है और बहुत ही ज्यादा अच्छी बन गई है। और इसी तरीके से दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही शिनिए अपने रूम से बाहर पर जाती है तभी वो जो बॉडीगार्ड जो होते हैं वो उसे रोक लेते हैं और उसके बाद तभी शिनिए उससे कहने लग जाती है कि अभी भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो। तभी वो दोनों जो होते हैं वो उससे कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, हम यहाँ पे आपको स्पाई करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम तो आपको बाय बोलने के लिए आए हैं क्योंकि अब से हम आपका दिमाग खाने के लिए इस रूम के बाहर पर खड़े नहीं रहेंगे बल्कि मैं अपनी और ड्यूटी निभाएंगे। तो शिनिए उससे बोलती है कि अच्छा बड़ा ठीक है तुम्हारा तो हिसाब। तो उधर ही हम युआन को देखते हैं कि अब वो हमारे शिनिए के लिए बहुत ही अच्छा खाना बना रहा होता है।
तब ये युआन शिनिए से बोलता है कि मुझे तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज देना है, और जैसे ही तुम उस सरप्राइज को देखोगी ना तो तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी। तो शिनिए उसे बोलती है कि सच में तो कब दोगी तुम मुझे वो सरप्राइज, जल्दी से दो ना। इसी तरीके से वो उसे फटाफट से अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ पर शिनिए अपनी डैड को देखती है, और अपने डैड को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश जाती है, और उसके बाद अपने डैड से कहने लग जाती है कि डैड आप ठीक हो गए, सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपको इस हालत में देखकर। तभी उसके डैड उससे बोलते हैं कि सबके पीछे किसी और का नहीं बल्कि मैं तुम्हारे प्यारे युआन का हाथ है, तुम्हें पता है कि इसी की वजह से आज मैं पूरे तरीके से ठीक हो गया हूँ, इसी ने बहुत ही अच्छे अच्छे डॉक्टरों से मुझे दिखाया, जिसकी वजह से आज मैं इस काबिल बन गया हूँ कि मैं अपने पैरों पर खुद भी चल सकता हूँ। तभी युआन वहाँ पर बोलता है कि अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं इसे एक और सरप्राइज देना चाहता हूँ। इसी तरीके से वो उन्हीं के सामने उसे रिंग पहना देता है, और उसके बाद उसे कहने लग जाता है कि मैं तुमसे बहुत ही जल्द शादी करना चाहता हूँ। इन सारी बातों को सुनकर शिनिए भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फाइनली ये दोनों के दोनों ब्यूटीफुल से ड्रेस पहनकर एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं। शिनिए आज बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि फाइनली इतनी सारी मुसीबतों के बाद इन दोनों की एक दूसरे से शादी जो होने वाली थी, वो दोनों के दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, और उसके बाद एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अब वो हमेशा एक दूसरे से प्यार करेंगे और एक दूसरे की केयर भी करेंगे, चाहे कितने से बड़े प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे और एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करेंगे। और यहीं पर ही हमारी ये प्यारे से जो लव स्टोरी होती है वो खत्म हो जाती है। सो आई होप गाइस कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और मेरी वीडियो को लाइक करना भी। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नए ड्रामे के साथ, तब तक के लिए बाय।